हेलो क्लास, वंस अगेन आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो फॉर योर साइंस क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू लेसन दैट इज बॉडी मूवमेंट। ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट इज मूवमेंट एंड देन सेकेंड वन इज व्हाट इज बॉडी मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स क्या होता है? द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड अदर थिंग्स इज कॉल्ड मूवमेंट। या ट्रांसफर ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन इज नोन एज मूवमेंट। जब एक जगह से दूसरी जगह बॉडी जाती है और किसी भी कंडीशन में जा सकती है, फूड के खोज में, भोजन की तलाश में, शेल्टर सही जगह और रहने के लिए उस तलाश में, तीसरी पॉइंट होती है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी दुश्मनों से बचने के लिए, जैसे डियर है, जैसे हिरण है, इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है इस फूड के भी कारण, शेल्टर के भी कारण, साथ साथ इसके कारण भी जा सकता है कि अगर वहाँ किसी भी जगह पे ऐसा उसको लगता है कि उसको दूसरे जानवर मार सकते हैं, जैसे टाइगर, लायन या जितने भी कार्निवोरस एनिमल हैं उसको मार सकते हैं, तो वहाँ से क्या होगा, दूसरी जगह चला जाएगा। फोर्थ वन इज टू अवॉइड द हार्श कंडीशन, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। कहीं कहीं क्या होता है कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो वहाँ से जैसे मान लो कहीं ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, कहीं बरसात होने लगी या कहीं बाढ़ वगैरह आ गई, तो वहाँ से पीपल क्या करते हैं, या कोई भी एनिमल जो है, चाहे ह्यूमन बींग हो चाहे दूसरे जो जानवर हो, वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसको हम क्या होते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, बॉडी मूवमेंट क्या होता है, द मूवमेंट विच आर शोन बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बॉडी मूवमेंट। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो हैं वो जो मूवमेंट शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट बोलते हैं। जैसे जब मैं लिखता हूँ तो मेरे हाथ कैसे काम करते हैं या मेरे फिंगर वगैरह कैसे घूमती हैं, ठीक है, उसके बाद जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ या कोई भी गेम खेलता हूँ तो मेरे हाथ पैर कैसे काम करते हैं, ठीक है, जब मैं सांस लेता हूँ तो जो मेरे चेस्ट है नीचे ऊपर होते हैं, ओके, जब मैं बोलता हूँ तो मेरा लोअर जो है नीचे वाला जो जबड़ा है वो नीचे ऊपर होता है। ये सभी क्या है, हमारे बॉडी के मूवमेंट हैं। मीन्स हमारे बॉडी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक स्पेशल टाइप के मूवमेंट शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट। मीन्स द मूवमेंट विच आर शोन बाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फॉर कंप्लीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बॉडी मूवमेंट। हमारे बॉडी द्वारा अलग अलग तरीके के वर्क के लिए जो अलग अलग मूवमेंट शो की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, ठीक है, स्पेशली जो बोन्स जुड़े हुए हैं वो सभी एक टाइप मूवमेंट अपना फिक्स रखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह का मूवमेंट दूसरे वाली बॉडी भी शो करेगी, या एक बॉडी पार्ट जैसा मूवमेंट शो करती है दूसरे वाली बॉडी पार्ट भी वैसी करेगी। ठीक है, ये सब क्या है, बॉडी मूवमेंट है। अगर देखा जाए मूवमेंट में, बॉडी मूवमेंट क्या, पहले मूवमेंट की बात करें तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के बीच में अलग अलग टाइप होता है मूवमेंट का। जैसे सब एनिमल कैन रन, कुछ एनिमल क्या होते हैं, रन कर सकते हैं, सम कैन वॉक, कुछ चल सकते हैं, सम कैन स्विम, कुछ तैर सकते हैं, सम कैन फ्लाई, कुछ उड़ सकते हैं, सम कैन क्रीप अक्रॉस, कुछ रेंग सकते हैं, सम कैन हॉप, कुछ उछल सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन या मूवमेंट है। जैसे क्या है, मैंने कहा कुछ क्या था, रन कर सकते हैं, जैसे क्या है, कोई भी एनिमल से मान लो कि हिरण है, उसको कोई अगर टाइगर दौड़ाता है तब तो रन करता है, वो भी एक मूवमेंट है। वॉक, धीरे धीरे चलना हो सकता है। स्विम, पानी में तैरना जैसे फिश करती हैं। फिर क्या होता है, हॉप, मेढक से क्या होता है, उछलता है ना। ठीक है, आफ्टर दैट क्रॉल, रेंगने वाला काम, या क्रीप जो है जो जमीन पे क्या होता है, रेंगते हुए चलते हैं। जैसे क्या है, स्नेक हुआ, लिजार्ड हुआ, कॉकरोच सॉरी अर्थवर्म हुआ, इनके जो मोशन क्रॉल और क्रीप के अंदर आते हैं। तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके मूवमेंट करने का अलग अलग वे है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरह से क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, रनिंग, वॉक, स्विम, और यह जो मूवमेंट है बाहर से जो मूवमेंट है वो एक्चुअल में उनकी बॉडी की मूवमेंट, यानी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है या बॉडी के अंदर जो पार्ट है उनके मूवमेंट द्वारा किया जाता है। रनिंग जब करेंगे उनके पैर कुछ फास्ट चलेंगे, ठीक है, और ज़्यादा दूरी नहीं, एक साथ छलांग ज़्यादा लंबा नहीं मारेंगे। वॉक करेंगे तो धीरे धीरे चलेंगे। स्विम मतलब उनका टेल्स रहेंगे, फिन रहेगा, उसके साथ क्या करेंगे,
स्विम करेंगे, हॉप करते तो पिछला पैर क्या था उनको जंप कराता है, क्रॉल और क्रीप करेंगे सिंपल सी बात है नॉर्मल उनका पैर छोटा रहेगा ये तो नहीं रहता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो मूवमेंट है वो उनके बॉडी मूवमेंट पे डिपेंड करता है, हर एक एंगल की मूवमेंट उसके बॉडी के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे उसकी बॉडी मूवमेंट करती है वैसा वो बार साइड मूवमेंट शो करता है। जनरली अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट होता है जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी मूवमेंट करने का अलग अपना एक तरीका फिक्स होता है। जो ह्यूमन बॉडी मूवमेंट है इस मूवमेंट को दो चीजें रेगुलेट करती हैं, कौन कौन? बोन्स और मसल्स। बोन्स और मसल्स के हेल्प से क्या करते हैं हम मूवमेंट शो करते हैं। बोन्स क्या है? एक हमारे बॉडी का स्ट्रांग पोर्शन है, ठीक है, जो हमें की एक क्या करता है वर्टिकल फ्रेमवर्क दिया होता है जिसपे हमारी पूरी बॉडी क्या होती है टिकी होती है। मसल्स क्या करते हैं उन बोन्स में मूवमेंट लाने का कोशिश करते हैं, मूवमेंट लाते हैं, कोशिश क्या लाते हैं, ठीक है, एक बोन जो है बिना मसल्स का मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो बोन्स और मसल्स दोनों के हेल्प से हम क्या करते हैं मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, और एक सिंगल बोन ऐसा नहीं कर पाता है। तो बोन क्या करते हैं आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, और इनके साथ ये क्या होते हैं अटैच रहते हैं अलग अलग तरीके से, और वो क्या होते हैं पूरी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर देखा जाए इसे क्या नेक है, नेक भी हमारा क्या होता है मूवमेंट करता है, रिस्ट करता है, फिंगर करता है, लेग करता है, हैंड करता है, ठीक है, फिर बैकबोन करता है, ठीक है, तो रिब केस करता है। तो जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन है स्पेशली जितने भी बोन्स हैं, ठीक है, लगभग सब में मूवमेंट होती है, मोस्ट ऑफ द बोन्स शो द मूवमेंट। कुछ ही बोन्स है जैसे स्कल वगैरह में वह नहीं शो करते मूवमेंट, और यह बस नीचे वाला जो जॉ है यह मूवमेंट शो करता है, या कुछ ऐसी जगह बोन होंगी जो मूवमेंट नहीं शो कर पाती होंगी, बट नॉर्मली जितने भी बोन्स होती हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या होता है मूवमेंट होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ज्वाइंट। अगर देखा जाए ह्यूमन बॉडी में ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट इज द जंक्शन ऑफ टू आर मोर बोन, दो या दो से अधिक बोन जो एक जगह मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ज्वाइंट बोलते हैं। ज्वाइंट मींस द जंक्शन ऑफ टू आर मोर बोन, दो या दो से अधिक बोन के जो जंक्शन होता है उसको हम ज्वाइंट बोलते हैं। जंक्शन मतलब जहां पे मिलती है, जंक्शन ऑफ टू आर मोर, दो या दो से अधिक बोन का जो जंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं ज्वाइंट बोलते हैं। अगर देखा जाए तो ज्वाइंट आर टू टाइप, ज्वाइंट दो टाइप होते हैं, पहला कहता है मूवेबल ज्वाइंट, दूसरा कहता है इमूवेबल। ऐसा मूवमेंट ज्वाइंट जो ज्वाइंट क्या होता है मूवमेंट शो करता है, जैसे वृष जो है जो कलाई है यहाँ क्या यह बोन और इधर की बोन आपस में क्या जुड़ी हुई है और फिंगर के भी जुड़ी हुई है, लेकिन ये क्या मूव कर सकती हैं, बेंड हो सकती हैं, जिधर भी बेंड हो सकते हैं एल्बो शोल्डर, तो ये जो ज्वाइंट है यह मूवेबल है, क्या है मूवेबल है, दे कैन इजिली मूव, वो क्या कर सकते हैं आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इमूवेबल ज्वाइंट है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है स्कल, मान जिसके ऊपर जो है, ठीक है, टोटल हमारे स्कल में 22 होती हैं बोन्स, ठीक है, एक जॉ होती है नीचे, एक ये बोन है, और बाकी जितने भी बोन्स होते हैं सभी क्या है यह नीचे वाला बस मूवमेंट शो करता है, बाकी जितने भी बोन्स हैं सब आप उनके जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई भी क्या है मूवमेंट नहीं। जैसे आप अगर कभी कभार आपके बुक में दिया होगा ज्वाइंट वैसे करके आप देख लेना, तो जो हमारा स्कल है उसमें अगर देखा जाए ज्वाइंट बहुत जगह ज्वाइंट होती है बोन्स का, ठीक है, लेकिन वो ऐसी ज्वाइंट है जो हिल नहीं सकती आपस में, वह फिक्स है, ठीक है, तो वह इमूवेबल है, मीन दो ज्वाइंट विच कैन नॉट मूव आर डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स प्लेस और सो एनी मूवमेंट, ऐसे बहुत जिस पर कोई मूवमेंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट, और जिसमें होता है उसको मूवेबल ज्वाइंट। मूवेबल मतलब जो चल सकता है, इमूवेबल मतलब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, जैसे हमारे कलाई पास है तो ये ज्वाइंट अपन क्या मूवमेंट शो कर सकता है, ठीक है, लेकिन स्कल में जो है वह नहीं शो कर सकता, क्लियर। अगर देखा है तो मूवेबल ज्वाइंट
आर आप नॉर्मली फोर टाइप्स, ये कितने टाइप होते हैं, फोर टाइप होते हैं, मूवेबल ज्वाइंट, फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट, सेकेंड वन इज इन ज्वाइंट, आफ्टर दैट पिवोट ज्वाइंट, एंड लास्ट वन इज बॉल सॉकेट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो देयर आर फोर टाइप ऑफ ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आर दो ज्वाइंट इन विच अ बोन, ए बोन हैविंग द बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड इनटू द बोन हैविंग द हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो स्ट्रक्चर वाले बोन में जो हमारा सॉकेट लाइक बोन है उसको हम अटैच किए होते हैं, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट शो 360 डिग्री मूवमेंट, ये 360 डिग्री मूवमेंट शो कर सकता है। जनरली हमारे दो जगह पाया जाता है, ठीक है, हिप के पास और सॉरी शोल्डर में और हिप में, मतलब कमर में और कंधे पे, ये जो हमारा है ना हाथ, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, यहाँ भी और कमर के पास भी होता है। इससे होता है ना कि आप पैर घुमा सकते हो हर तरफ, ठीक है, नॉर्मली ज्यादातर। तो ये 360 डिग्री और ऑल डायरेक्शन मूवमेंट शो कर देता है, मतलब आप पूरी नीचे ऊपर घुमा सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, मतलब ये हड्डी जो है इसके आर पार, जैसे ये क्या होता है बोन ऐसे होता है, ठीक है, और ये क्या होता है इसमें होल सा होता है, जो ये वाली हड्डी है ना इसमें क्या है, इस वाले में होल सा होता है, ये जो हमारी हड्डी इसमें होल सा होता है, और ये वाली बोन आके इसमें क्या होती है, फंसी रहती है, क्या होती है, फंसी रहती है। तो ये क्या होता है उसके अंदर घूमने को पूरा फ्री होता है। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जनरली क्या होता है, ये कमर के पास और कंधे पे ये ज्वाइंट पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, हिंग ज्वाइंट या हैंग ज्वाइंट पढ़ते हैं, हिंग ज्वाइंट या हैंग ज्वाइंट दोनों पढ़ते हैं। यह ज्वाइंट वो है जहाँ पे वन डायरेक्शन मोशन होता है, यहाँ क्या होता है वन डायरेक्शन मोशन होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा हाथ है, यहाँ पे जो है इसके बीच में जो मोशन है वो क्या है, वन डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो ज्वाइंट पड़ता है उसको हैंग ज्वाइंट या हिंग ज्वाइंट पढ़ते हैं, क्लियर। दोनों हाथ में मतलब एल्बो के पास और नी, ठीक है, मैं इसका लिख रहा हूँ। ये कहाँ पड़ता है, शोल्डर और हिप के पास, जबकि ये कहाँ पड़ता है, नी और एल्बो। आप देखोगे ना जो जो दरवाजा होता है, दरवाजा ये होता है, तो दरवाजा क्या होता है, बस एक तरफ खुलता है। मान लीजिए दरवाजा है तो दरवाजे साथ अटैच, मतलब ये फ्रेम है, फ्रेम साथ दरवाजा अटैच है, तो सिर्फ अंदर बाहर अंदर खुल सकते, ऐसे होता है ना, दरवाजा आप अंदर दे दिए धक्का फिर उसको बंद करें तो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ज्वाइंट को हम हिंग ज्वाइंट बोलते हैं, यहाँ पे जो लगता है इसको भी हिंग या हैंग ज्वाइंट कहते हैं। अब उसके पाइवोट ज्वाइंट या पिवोट ज्वाइंट होता है। पाइवोट ज्वाइंट इज दैट ज्वाइंट इन विच अ बोन इज फिक्स्ड इन द अदर बोन, एक बोन के अंदर दूसरी बोन क्या होती है, फिक्स होती है। एक सिलेंडर बोन दूसरे रिंग लाइक बोन के अंदर क्या होती है, फिक्स होती है, इसको क्या बोलते हैं, पाइवोट ज्वाइंट या पिवोट ज्वाइंट। जनरली ये हमारे पास नेक में पाया जाता है, कहाँ पाता है, नेक में, जो हमारे गर्दन क्या करता है इधर उधर घुमाने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि नीचे की जो बोन है, ठीक है, इस पे जो ऊपर वाले जो बोन है वो ऐसे रिंग की टाइप है, और यहाँ क्या है पूरा लगा हुआ है हमारा है, ठीक है, और इसको क्या होता है आराम से घूमने में सहायता करती है, ठीक है। एक्चुअल में जो हमारी मांग से पीछे जाने से रोक देती है, ठीक है, और उसमें कुछ पीछे वाले हड्डियाँ से रोकने के लिए बनी होती है। नॉर्मली नहीं तो क्या 360 डिग्री घूम सकता था, ठीक है, लेकिन हमारी मांग जो लगे पीछे, ठीक है, मसल, वो इसको पीछे जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं।
तू जो यहाँ पे ज्वाइन पाता है वो पाइवोट ज्वाइन या पिवोट ज्वाइन कराता है। लास्ट में क्या ग्लाइडिंग ज्वाइन, ग्लाइडिंग ज्वाइन आर दो ज्वाइन विच अलाउ अ बोन टू ग्लाइड ओवर इट। वो ज्वाइन जो एक बोन को दूसरे बोन के ऊपर क्या करता है, ग्लाइड करने में सहायता करता है, ग्लाइड करने मतलब सरकने देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ठीक है जो हमारी रिस्ट है, रिस्ट यानी कलाई में जो हमारी ज्वाइंट होती है वह ग्लाइडिंग ज्वाइंट होती है, मतलब एक बोन के ऊपर दूसरी बोन क्या आराम से सरकती रहती है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। और जो हमारा क्या एंकल है, ठीक है, यानी फुट और लेग जहाँ पर हमें मिले हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे जो ज्वाइंट होती है वह क्या होती है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, यानी रिस्ट कलाई और एंकल जो हमारा पैर के पास होता है जैसे, है ना, यहाँ पे जो ज्वाइन पाई जाती है, ठीक है, वो ज्वाइन और हमारी जो कलाई पाई जाती है, यहाँ पे जो ज्वाइन पाई जाती है दोनों किसके अंदर आते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइन के अंदर आते हैं। तो देयर आर फोर टाइप ऑफ मूवेबल ज्वाइन। यह ज्वाइन मूव करती है दूसरे के साथ जुड़े हुए फिर भी मोशन आप करते हैं। इसमें पहला बॉल एंड सॉकेट होता है जो शोल्डर हिप के पास पाता है, हैंग ज्वाइन जो नी और एल्बो में पाया जाता है, पिवोट ज्वाइन जो गर्दन पर पाई जाती है, और ग्लाइडिंग ज्वाइन जो कहाँ पाया जाता है, रिस्ट और एंकल के पास। ठीक है, इसमें हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, हर एक डायरेक्शन मूवमेंट शो कर हो सकता है, इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन मूवमेंट शो करता है, इसमें कुछ हद तक 180 डिग्री से ज़्यादा क्या मूवमेंट हम दिखा सकते हैं। और जो ग्लाइडिंग होता है ये हर एक डायरेक्शन मूवमेंट शो करता है, और इस पर क्या होता है बोन एक के ऊपर ग्लाइड करती है। क्लियर, ये हमारे चार ज्वाइंट हो गए। नाउ ह्यूमन स्केलेटन, अब क्या होता है जितने भी हमारे बॉडी में क्या है बोन्स पाई जाती हैं और जितने भी ज्वाइंट हैं, जब हम सबको एक साथ मिलाते हैं एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, और उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्केलेटन। तो व्हाट इज स्केलेटन, स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन। जितने भी हमारे बॉडी में बोन पाए थे उनका पूरा ढांचा जो है, फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। तो स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन। स्केलेटन क्या होता है, बोन्स का एक ढांचा होता है जिसमें बहुत सारे बोन्स होती हैं, वो आपस में क्या अलग अलग तरीके जुड़े होती हैं, जितने भी मूवेबल ज्वाइंट्स, कुछ मूवेबल ज्वाइंट्स जुड़ी होती हैं, कुछ इमूवेबल ज्वाइंट्स जुड़ी होती हैं, और सब आपस में क्या ऐसे बनी होती हैं। इसको हम क्या होते हैं, स्केलेटन या फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रॉपर फंक्शन के लिए बनी होती है, और साथ ही साथ प्रॉपर फंक्शन के लिए और प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए बॉडी के लिए बनी होती है। जैसे जो हमारा बोन्स है, बोन का पहला जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि वो हमारे बॉडी को प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, बोन एक क्या होता है, सॉलिड सपोर्ट होता है जो हमारे बॉडी को एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है। जैसे क्या है, अगर हमारे बॉडी में अगर हड्डी ना रहे, जैसे पैर का हड्डी टूट जाए तो आदमी खड़ा नहीं सकता है, क्योंकि जो बोन है वहाँ टूट चुकी है, अलग अलग हो चुकी है, टूट के सेपरेशन हो गया है, तो नहीं खड़ा हो पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बोन है वह एक वर्टिकल फ्रेम तैयार करने में हेल्प करता है। अगर बोन हमारी बॉडी में ना रहे तो हम कभी सीधा खड़े रह नहीं सकते हैं। तो पहला क्या काम ये होता है कि हमारे बॉडी का एक वर्टिकल पोस्चर एक सीधा खड़ा रहने में सहायता करता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी बताता है, जैसा बोन रहेगा जहाँ का वहाँ का वैसा स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे अगर मान लो कि पैर का बोन अगर जैसे होता है ना कुछ लोग को रिकेट वगैरह हो जाने पर, यानी हड्डी जब कमजोर होती है विटामिन डी कमी से, तो हड्डी क्या करेगी बेंड हो जाती है। तो जैसा बोन की स्ट्रक्चर रहेगी जहाँ भी, ठीक है, वहाँ पे बॉडी की स्ट्रक्चर वैसी रहेगी, जैसा बोन वैसा है स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो पूरे पूरे स्केलेटन को हम चार या पांच पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइडर में पढ़ते हैं। पहला क्या था स्कल, उसके बाद क्या था बैक बोन, उसके बाद क्या था रिब, फिर क्या था, ये चार पार्ट हैं जिसमें क्या करते हैं हम अपने बॉडी के पूरे स्केलेटन को डिवाइड करते हैं। स्केल मतलब खोपड़ी, बैकबोन मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है जो पीछे, रिब केस मतलब जो यहाँ पर चेस्ट के पास जो बोन्स है उसको बोलते हैं।
ठीक है, लिम्स मतलब हाथ पैर, यहाँ से लेकर यहाँ तक और कमर से लेकर पूरा पैर तक, ये जो चार पार्ट हैं ये स्केलेटन के चार अलग पार्ट कर दिए गए हैं, स्केलेटन को पूरा बांटा गया है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो भी रहेंगे ठीक है आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।